दोस्तों आप सब देख रहे हैं A1 सिविल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वाइड रेशियो और पोरिस्टी के बारे में। बहुत से लोगों में कन्फ्यूजन हो जाती है वाइड रेशियो और पोरिस्टी को लेकर। जैसा कि हम देख सकते हैं वाइड रेशियो की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स प्रेजेंट इन ए गिवन सॉइल मास। और जब हम पोरिस्टी को देखेंगे तो पोरिस्टी क्या है हमारे पास, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन ए गिवन सॉइल मास। तो दोस्तों जब हम देखेंगे, जब हम डायग्राम ड्रा करेंगे, थ्री फेज डायग्राम ऑफ सॉइल, तो ये हमारे पास आगे सॉइल पार्टिकल्स यानी कि सॉलिड पार्टिकल्स, ये आगे हमारे पास वाटर, और ये हमारे पास आ गया एयर, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो ये आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। जब हम बात करते हैं वाइड रेशियो की, तब हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, और जब हम बात करते हैं पोरोसिटी की, तब हम लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉइल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉइल। यानी कि जब हम वॉल्यूम ऑफ सॉइल की बात करते हैं तब हम फुल वॉल्यूम लेते हैं किसी भी सॉइल मास का। यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। यानी कि जब हम पोरोसिटी की बात करेंगे तो पोरोसिटी को हम डिवाइड कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, उसमें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी आ जाएंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉइल्स भी आ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। और जब हम बात करेंगे वाइड रेशियो की, वाइड रेशियो में खाली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स ही आएगा, जो खाली ये वाला पोर्शन है यानी कि जो ड्राई पोर्शन आता है, और पोरोसिटी में हम टोटल वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देंगे। और साथ में पोरोसिटी जो होती है वो एक परसेंटेज होती है यानी कि परसेंट वाइड्स, और वाइड रेशियो में खाली सिंपल रेशियो होती है और कोई परसेंटेज नहीं ली जाती। चलो दोस्तों शुक्रिया।